Good morning students, this is science video. As you all know that we have started with the chapters of new book, that is science, Stride Ahead with Science. So you in this book you have the first chapter, that is leaves. I have explained about the parts of leaf, right? That is on page number 8, and today I am going to explain the experiment and fill in the blanks in this chapter. Clear? So you have to understand the experiment, and later on if you want to, you can try it as well, right? If we think that some things are related or used in this experiment, so you have to mark the answers with the pencil or pen on fill in the blanks, that is on page number 9. So let's begin with the explanation of the experiment, that is on page number 8. So this is the experiment which I was talking about, that is on page number 8. As you can see, it is given with some heading that are aim, material required, procedure, observation, conclusion. Clear? So aim ka matlab hota hai, hame karna kya hai? To observe the number of stomata on both upper and underside of the leaf. हमें ये देखना है कि stomata कहाँ present होता है सबसे ज़्यादा, या upper side पे या फिर underside of the leaf. Upper side मतलब leaf के just ऊपर, और underside मतलब leaf के नीचे side. समझ में आ गया? तो हमें पता लगाना है कि stomata ज़्यादा तादाद में कहाँ होता है, ऊपर या नीचे, लीफ के ऊपर या लीफ के नीचे. क्लियर? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, इसमें आपको ज़रूरत क्या है इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, उसको बोला गया है मटेरियल्स रिक्वायर्ड. रिक्वायर्ड का मतलब ज़रूरत, ठीक है. अ लीफ प्रेफरेबली कोलियस लीव्स एंड अ माइक्रोस्कोप. एक लीफ की ज़रूरत है, ज़्यादातर कोलियस लीफ, क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा आसानी से दिखता है, ठीक है. और एक माइक्रोस्कोप की ज़रूरत है. कोलियस एक तरह का लीफ है, नाम है लीफ का, समझ गए? तो कोलियस लीफ या तो ले सकते हैं आप, या फिर माइक्रोस्कोप लेना है. दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए. प्रोसीजर मतलब होता है किस तरह करना है आपको एक्सपेरिमेंट, ठीक है. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दिया हुआ है यहाँ पे. मेक श्योर टू परफॉर्म द एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ अ टीचर. इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको कोई ना कोई एडल्ट होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ा होना चाहिए. क्लियर? सो फर्स्ट वन, टेक अ कोलियस लीव एंड वॉश इट थरली. कोलियस लीव लेनी है और उसको अच्छे से धुल लेना है. धुलना क्यों है? ताकि आप जब माइक्रोस्कोप में लीफ को रखेंगे तो लीफ में सही तरह से आपको पोर्स दिखने चाहिए. स्टोमेटा क्या है? छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है. छोटे होल्स जो आपको खुली आँखों से नहीं दिखते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप में लगाकर देखेंगे तो ज़रूर दिखेंगे. क्लियर? ऑब्जर्व द लीफ केयरफुली अंडर अ माइक्रोस्कोप. मेक श्योर यू ऑब्जर्व बोथ अपर साइड एंड द अंडर साइड ऑफ लामिना. लामिना मैंने पहले ही बताया आपको, जो चीज़ें आपको दिख रही हैं लीफ के ऊपर वो लामिना कहलाती हैं, मीन्स द अपर साइड ऑफ द लीफ. तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, माइक्रोस्कोप में लीफ को रखना है. पहले तो ऊपर साइड से देखना है लीफ को, ऊपर साइड से आपको माइक्रोस्कोप लगा कर देखना है, लेंस लगा कर, और फिर उसके बाद लीफ को पलट देना है, मतलब उसकी उल्टी साइड, नीचे साइड को लगा कर देखना है. तो आपने ये प्रोसीजर करना है, ठीक है. माइक्रोस्कोप में ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐसे लेंसेज होते हैं जो छोटी सी चीज़ को बड़ा करके दिखाते हैं. ऑब्जर्वेशन वो होता है कि हमें क्या दिखाई दिया या हमें क्या मिला, एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या मिला है वो. तो यू विल ऑब्जर्व अ न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग ऑन द लीफ. आपको दिखेगा कि बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स आपको दिखेंगे, खुले हुए पोर्स दिखेंगे, ठीक है. दीज आर स्टोमेटा.
इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। दे मे बी ओपन और क्लोज्ड, या तो वो बंद होते हैं, या किसी किसी लीफ में खुले होते हैं, किसी किसी लीफ में वो बंद दिखाई देते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ वुड बी फार ग्रेटर देन द अपर साइड ऑफ द लीफ। स्टोमेटा ऊपर भी होते हैं लेकिन ऊपर बहुत कम होते हैं, लेकिन नीचे साइड स्टोमेटा बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे। समझ में आ गया? तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ऊपर साइड भी होल्स होते हैं लेकिन नीचे साइड उससे बहुत ही ज़्यादा होल होते हैं। तो स्टोमेटा ज़्यादातर प्रेजेंट कहाँ होता है? ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, नीचे की तरफ। समझ गए? कंक्लूजन, कंक्लूजन मतलब होता है रिजल्ट। इस पूरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया है? तो देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ। आपको ये रिजल्ट मिला कि स्टोमेटा जो है वो लीफ के नीचे साइड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। क्लियर? सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट विच यू कैन परफॉर्म। बट आपको ज़रूरत क्या पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की, जो ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है। वो लैब में आपको मिलेगा, केमिस्ट्री लैब में, और लैब अभी हम एक्सेस कर नहीं पाएंगे कहीं पे भी। तो इतना समझिए कि माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें लेंस लगाकर आप छोटी सी चीज़ को बड़ा करके देख सकते हैं। क्लियर? तो वही चीज़ अगर हम माइक्रोस्कोप में एक लीफ को रखें तो उसमें स्टोमेटा आपको अंडर साइड ऑफ द लीफ ज़्यादा दिखेंगे नंबर्स में, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल द एक्सपेरिमेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस एक्सपेरिमेंट यू कैन आस्क इन द क्लासरूम, मीन्स व्हाट्सएप क्लास। लेट्स जंप टू दिस पेज नंबर 9। हेयर यू विल फाइंड आउट सम फिल इन द ब्लैंक्स गिवन ऑन द टॉप ऑफ द पेज। सो रीड इट फर्स्ट एंड देन यू विल आंसर इट विद द पेंसिल और विद द पेन। ये आपके ऊपर है। पेंसिल से लिखते हैं तो फिर आप जब फाइनल के लिए पढ़ेंगे ऑलमोस्ट 6-7 महीने बाद, तो वो क्या होगा, इरेज़ हो जाता है, अपने आप ही इरेज़ हो जाता है। तो इससे बेटर है कि पेन से लिखें। तो पेन से क्या होता है कि आप पेन से लिखते हैं तो भी आपका वो रहेगा, फाइनल तक कम से कम आंसर्स लिखे रहेंगे। चाहिए तो इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, लेकिन अभी सिर्फ बुक में ही करना है। क्लियर? आपको फिल इन द ब्लैंक सिर्फ बुक में करना है, अभी कॉपी में कुछ मत करिएगा। फर्स्ट थिंग, द लीव्स आर अटैच टू द स्टेम विथ, लीव्स जो अटैच होती हैं वो स्टेम से अटैच होती हैं। देखा होगा आपने, लीफ जो अटैच होती है वो स्टेम से अटैच होती है। वो किसके साथ अटैच होती है? कुछ उसको जोड़ता है, वो कौन जोड़ता है? पेटियोल जोड़ता है। कौन जोड़ता है? पेटियोल। आपको मैं ये फ़ोटो दे दूँगी और फिर आप बुक में करेंगे। क्लियर? द फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड, फ्लैट ब्रॉड पार्ट, लीफ का जो फ्लैट ब्रॉड पार्ट आपको दिखता है ऊपर ऊपर, वो क्या है? लामिना है। क्या है? लामिना, ठीक है। देयर आर मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इन द डैश ऑफ मोस्ट ऑफ द लीफ। हमने अभी अभी एक्सपेरिमेंट समझा कि स्टोमेटा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? लीफ के नीचे साइड पे, लीफ के नीचे साइड पे। समझ में आ गया? तो अंडर साइड, अंडर साइड, अंडर का मतलब होता है नीचे, ठीक है। तो लीफ आपको स्टोमेटा कहाँ ज़्यादातर मिलेगा? लीफ के नीचे साइड पे। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंडर साइड। द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अब मैंने कल आपको समझाया था कि लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन पिगमेंट की वजह से होता है। ले उस ग्रीन पिगमेंट को क्या बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में? उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। तो ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। समझ में आ गया? तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। कल हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। सो ये कुछ ज़्यादा ही लंबा चैप्टर है, लंबा टॉपिक है, तो देखते हैं इस वीडियो में कवर कर पाते हैं या नहीं। टुडे यू हैव टू अंडरस्टैंड ओनली दिस एक्सपेरिमेंट
and this Philip, which you have to do it in your book. Clear? If you have any doubt in these two, you can ask me in the WhatsApp class. Thank you so much.